टुडे वी स्टार्ट चैप्टर सेकेंड ऑफ यूनिट फर्स्ट, दैट इज सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, जो हम यूनिट्स मेजरमेंट्स के लिए यूज़ करते हैं उनका सिस्टम्स पढ़ेंगे कि कौन कौन सी यूनिट हो सकती है, कैसे हमें चॉइस करनी है स्टैंडर्ड यूनिट्स के, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है। ठीक है, और थोड़ा आउटलाइन बता देती हूँ मैं। फर्स्ट इसमें टॉपिक पढ़ेंगे हम सिस्टम्स ऑफ यूनिट, कि सिस्टम्स ऑफ यूनिट होता क्या है, क्या क्या इसके अंदर आएगा हमारा। फिर सेकेंडली हम पढ़ेंगे मेजरमेंट्स, मेजरमेंट्स के अंदर क्या आएगी कि हमें किसी चीज़ की मेजरमेंट की क्यों ज़रूरत पड़ती है, क्यों हम फिजिकल क्वांटिटीज़ की मेजरमेंट यूज़ करके चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट। अब कुछ मेजरमेंट कर रहे हैं, इट मीन्स हमें कोई ना कोई उनको यूनिट भी देनी पड़ेगी। तो दो टाइप की यूनिट आई हैं, फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स। फिर आता है सिस्टम्स ऑफ यूनिट, कि एक सिस्टम क्या रहेगा यूनिट्स का, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज़, फिजिकल क्वांटिटीज़ आपकी एग्जिस्ट करती हैं, तो उनको भी मेजरमेंट करने के लिए हमें एक सिस्टम फॉर्मेशन चाहिए कि इस क्वांटिटी के लिए ये मेजरमेंट आएगी, दूसरी क्वांटिटी के लिए वो मेजरमेंट यूज़ होंगी। तो जो मेजरमेंट हम करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए, वो किसी एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर रखेंगे उसको। चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट, कि एक स्टैंडर्ड यूनिट होनी चाहिए जो इंटरनेशनल लेवल पे आपके एप्लीकेबल हो, कि हर एक चीज़ के लिए यही यूनिट एप्लीकेबल रहेगी आपके। फिर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, वो वही आ जाएगा जो स्टैंडर्ड यूनिट्स के लिए था। सो आर फर्स्ट टॉपिक इज नीड फॉर मेजरमेंट, कि हमें मेजरमेंट की ज़रूरत क्या पड़ी है। आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, और फिजिक्स क्या है, साइंस की वो ब्रांच है जो डील करते हैं विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिनास। तो स्टडी कर रहे हैं, इट मीन्स हमें कुछ ना कुछ उसका प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन चाहिएगा उन फिनोमिनास का। तो मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटीज तो इन्वॉल्व होंगे उनमें। फिनोमिनास आप पढ़ रहे हो तो किसी फिजिकल क्वांटिटीज से ही रिलेटेड फिनोमिना रहेंगे, तो हम फिजिकल क्वांटिटीज की मेजरमेंट के लिए हम ज़रूरत पड़ी है हमें मेजरमेंट की। अब नेक्स्ट इसमें ऑल द क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ विच लॉ ऑफ फिजिक्स आर डिस्क्राइब्स एंड हुज मेजरमेंट इज नेसेसरी आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ की। देखो, हमें मेजरमेंट करनी है फिजिकल क्वांटिटीज़ की, तो हमें फिजिकल क्वांटिटीज़ भी पता होना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होंगे। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो हमने लॉज ऑफ फिजिक्स पढ़े थे, जो लॉज ऑफ नेचुरल फिजिक्स पढ़े थे, वो चाहे लॉज ऑफ मोशन हो, वो चाहे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो, कोई भी लॉ ऑफ फिजिक्स का, वो सारे के सारे उनके ऊपर अप्लाई कर सकते हो आप। इट मीन्स वो सारे के सारे लॉज के अंदर जो क्वांटिटीज़ आप यूज़ करके चल रहे हो उनकी मेजरमेंट्स रहेगी, इसलिए उन्हें फिजिकल क्वांटिटीज़ बोलते हैं। अब मेजरमेंट बेसिकली होगी क्या, उसे हम बोलेंगे क्या, इट इज़ द कंपेरिजन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटीज़ विद इट्स स्टैंडर्ड यूनिट इज कॉल्ड मेजरमेंट। की मेजरमेंट क्या होगी, आप कंपेरिजन करके चल रहे हो उस फिजिकल क्वांटिटी का किसके साथ, जो उसकी स्टैंडर्ड यूनिट रहेगी उसके साथ। स्टैंडर्ड यूनिट क्या रहेगी, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे हम फिक्स कर लेते हैं कि ये इतनी वैल्यू देगा। जैसे सबने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू पढ़ रखी है, आप लोगों ने मेजरमेंट्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है, क्योंकि वो हमने ऑन अर्थ सरफेस 9.8 हम कंसीडर करके चलते हैं, नियरली इक्वल टू 10 कभी कभी ले लेते हैं, तो वो एक स्टैंडर्ड यूनिट रहेगी, उसकी स्टैंडर्ड फिक्स्ड वैल्यू रहेगी। अब नेक्स्ट आएगा इसमें फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स, देखो अब हम ये दो टाइप की यूनिट्स दे रखे हैं हमें, हम ये पढ़ेंगे कि फंडामेंटल यूनिट्स क्या होंगे। पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं कि फंडामेंटल यूनिट्स होती कौन सी हैं। तो जो हम मैकेनिक्स पढ़ते हैं, देखो मैकेनिक्स इज़ ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद देयर पार्टिकल आर इन मोशन, कि जब पार्टिकल्स आपके मोशन में रहेंगे तो आप उसे मैकेनिक्स बोलोगे। तो इसके अंदर हम मैकेनिक्स के अंदर तीन क्वांटिटीज़ को कंसीडर करके चलते हैं कि ये हमारी बेसिक या फिर फंडामेंटल क्वांटिटीज़ रहेंगी, और वो कौन सी हैं, लेंथ, मास और टाइम। अब हम इसका रीज़न पढ़ते हैं कि हमने सिर्फ ये तीन क्यों ली। ठीक है, ये क्वांटिटी सबसे सिंपल रहेंगी, एक दूसरे से हम इन्हें डिराइव नहीं कर सकते, ऑब्टेन नहीं कर सकते। जैसे लेंथ है उसे मास से नहीं निकाल सकते, टाइम है उसे मास से नहीं निकाल सकते। लेंथ लेंथ से नहीं निकलेगी, जितना हम पाथ कवर्ड लेके चलते हैं या फिर को जो भी हम लेंथ के लिए मेजरमेंट्स लेके चलते हैं। और ये जो ये फिजिकल क्वांटिटी हैं, इन्हें हम इजीली मेजर कर सकते हैं,
तो इसीलिए इन तीनों को ही हमने क्या किन की कैटेगरीज में लिखा है, थ्री बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज, और हम बोल सकते हैं बेसिक क्वांटिटीज। फंडामेंटल यूनिट्स के बाद आते हैं आपके डिराइव्ड यूनिट। देखो डिराइव्ड यूनिट्स में वो फिजिकल क्वांटिटीज आएंगी जिन्हें आप डिराइव कर सकते हो फंडामेंटल क्वांटिटीज से। तो इसे हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव क्वांटिटीज, और जो उनके लिए यूनिट्स यूज होंगी उन्हें हम कौन से यूनिट बोल देंगे, डिराइव्ड यूनिट्स रहेंगे। देखो जैसे इसमें एग्जांपल दे रखे हैं, वेलोसिटी, एक्सलरेशन, फोर्स, वर्क। आप कोई भी एग्जांपल लेके चलते हो, जैसे हम वेलोसिटी का एग्जांपल लेके चलते हैं। वेलोसिटी को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट लेंथ की मेजरमेंट होएगी, तो लेंथ डिवाइड बाय टाइम किसकी मेजरमेंट देगा, टाइम की मेजरमेंट देगा। तो वेलोसिटी को आप कैसे निकाल सकते हो, वेलोसिटी इज़ अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ऐसे ही आप एक्सेलरेशन को वेलोसिटी के टर्म्स में निकाल सकते हो, फोर्स पर रखा है। अब नेक्स्ट है आपका सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स आप क्या लेके चलोगे, आप कंप्लीट सेट लेके चलोगे यूनिट्स का। अभी आपने दो टाइप की यूनिट पढ़ी थी, फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट। तो जो आप फिजिकल क्वांटिटीज लेके चलते हो वो कॉमन सिस्टम लेके चलते हो सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर की, वो फंडामेंटल के लिए भी रहेगी और डिराइव्ड के लिए भी रहेंगी, वो दोनों पे एप्लीकेबल रहेगा, किसी अलग क्वांटिटीज के लिए एप्लीकेबल नहीं रहेगा। अब इसमें फर्स्ट जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स हम पढ़ के चलते हैं वो CGS सिस्टम पढ़ के चलते हैं। आपने बेसिक CGS यूनिट पढ़ी होंगे, ठीक है, नहीं पढ़ी तो अब आगे पढ़ेंगे कि CGS सिस्टम होता क्या है। इस सिस्टम के अंदर जो लेंथ की मेजरमेंट है वो हम सेंटीमीटर में लेंगे, यूनिट ऑफ मास की मेजरमेंट है वो हम ग्राम्स में लेंगे, और टाइम की तो सेकेंड में ही रहेगी। तो ये CGS इससे बना है। देखो C से सेंटीमीटर, G से ग्राम और S से सेकेंड। तो फर्स्ट जो मेजरमेंट आएगी वो लेंथ के लिए आएगी, सेकंड मेजरमेंट मास के लिए आएगी, और थर्ड मेजरमेंट टाइम के लिए आएगी। अब जो सेकंड सिस्टम है वो FPS सिस्टम है। FPS वही लेंथ, मास और टाइम, ये सीक्वेंस रहेगा आपका मेजरमेंट का। तो लेंथ के लिए अगर F यूज़ कर रहे हो तो फुट यूज़ कर रहे हो, मास के लिए अगर P यूज़ कर रहे हो तो पाउंड यूज़ कर रहे हो कि ये इतना पाउंड मास रहेगा, और सेकेंड यूज कर रहे हो टाइम के लिए तो सेकेंड में मेजरमेंट देगा। अब नेक्स्ट है MKS। एम एम से क्या आएगा आपका, लेंथ की मेजरमेंट मीटर में आएगी, मास की मेजरमेंट K में दे रखी है तो किलोग्राम में आएगी, और टाइम की मेजरमेंट S में दे रखी है तो सेकेंड्स में ही आएगी। अब एक नेक्स्ट आता है इसमें SI सिस्टम। जो SI सिस्टम रहेगा आपका वो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम रहेगा यूनिट्स का। इट मीन्स स्टैंडर्ड इंटरनेशनल का मतलब क्या है, इंटरनेशनल लेवल पे एक स्टैंडर्ड बना दिया हमने कि लेंथ को मीटर में ही मेज़र करेंगे, मास को किलोग्राम में ही मेज़र करेंगे, टाइम को सेकेंड में ही मेज़र करेंगे, ठीक है। तो इसके बेस पे हमने एक सिस्टम बनाया जिसे SI सिस्टम बोला, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम बोला। इस सिस्टम के अंदर क्या आएगा, 7 फंडामेंटल यूनिट्स आएंगी और 2 सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स आएंगी। वो हम आगे पढ़ेंगे कि 7 फंडामेंटल्स यूनिट हमारी कौन सी होंगी और 2 सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स हमारे कौन सी होगी। अब हम पढ़ेंगे कि जो SI सिस्टम हम लेके चल रहे हैं उसके लिए स्टैंडर्ड यूनिट्स की चॉइस कैसे होगी, हमें कौन सी यूनिट को स्टैंडर्ड यूनिट बोलना है। तो इसमें पढ़ेंगे हम चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं स्टैंडर्ड यूनिट के, वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी यूनिट आपकी एप्लीकेबल रहेगी या फिर जो फुलफिल करेगी उसी को ही हम स्टैंडर्ड यूनिट की कैटेगरीज में रखेंगे। अब फर्स्ट इसमें दे रखा है इट शुड बी इजीली अंडरस्टैंडेबल, कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला नहीं आना चाहिए, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आनी चाहिए, इजीली हम जिसे अंडरस्टैंड कर सके वो होनी चाहिए स्टैंडर्ड यूनिट। सेकेंड इसमें क्या दे रखा है, इट शुड बी चेंज्ड विद चेंज इन फिजिकल फैक्टर, जैसे फिजिकल फैक्टर आपके चेंज होंगे तो उसके अकॉर्डिंग उसे चेंज हो जाना चाहिए। थर्डली थर्ड क्या दे रखा है, इट शुड नॉट चेंज विद प्लेस और टाइम, जो स्टैंडर्ड यूनिट रहेगी प्लेस और टाइम के साथ वो चेंज नहीं होगी, जैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की ही वैल्यू थी, ठीक है, इंडिया में मेजरमेंट कर रहे हो, अमेरिका में कर रहे हो, कहीं भी कर रहे हो,
प्लेस चेंज हो रहा है, आपका टाइम चेंज हो रहा है, पर उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो गई। नेक्स्ट है, इट शुड बी ईजिली डुप्लीकेटेड। डुप्लीकेटेड का मतलब क्या रहेगा इस केस में, आप उसे चेंज कर सकते हो, ठीक है। डुप्लीकेट होने का मतलब क्या है कि रिप्लेस कर सकते हो, रेप्लिकाज जो रहेंगे यूनिट के वो अवेलेबल रहेंगे ईजिली आपके पास। नेक्स्ट है, इट शुड बी अकॉर्डिंग्स विद द साइज ऑफ द क्वान्टिटी टू बी मेजर्ड। देखो अगर स्मॉल स्केल पे लेके चल रहे हो, ठीक है, मास को अगर स्मॉल स्केल पे लेके चल रहे हो तो ग्राम्स में लोगे, लार्ज स्केल पे लेके चल रहे हो तो किलोग्राम्स में लोगे। तो वो साइज ऑफ क्वान्टिटी पे भी डिपेंड करता है कि कितना आप साइज लेके चल रहे हो। नेक्स्ट दे रखा है, इट शुड बी प्रॉपरली डिफाइंड। आप वो हमेशा प्रॉपरली डिफाइंड। अब नेक्स्ट है इसमें इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट। देखो विद इन ब्रैकेट 7.2 लगा रखा है, तो भी हमने पढ़ा था कि जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं वो हमें 7 फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में बताएगा, और जो 2 दे रखा है, 2 लगा रखा है साथ में, वो किसके लिए रहेगा, वो आपकी सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स के लिए रहेगा। अब पहले हम 7 फंडामेंटल क्वान्टिटीज़ को पढ़ लेते हैं कि इसके अंदर क्या आएगा। जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं उसमें फर्स्ट है हमारा लेंथ, सेकंड मास, थर्ड टाइम, देन इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर, और वी से दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये सारे के सारे हमारे क्या रहेंगी, हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ रहेंगी। और जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ है उसके अंदर हम एंगल की मेजरमेंट्स के लिए यूज़ करते हैं, वो फर्स्ट आता है उसमें प्लेन एंगल, और सेकंड आएगा उसमें सॉलिड एंगल। सो दिस टेबल इज यूज्ड फॉर फंडामेंटल यूनिट्स। सो फर्स्ट ले रखा है हमने लेंथ, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी में फर्स्ट है आपकी लेंथ, तो फंडामेंटल यूनिट उसके लिए हम यूज़ करेंगे मीटर, और सिंबल रहेगा उसका एम। सेकेंड है मास, मास के लिए हम किलोग्राम यूज़ करेंगे, सिंबल केजी। देन टाइम, टाइम के लिए सेकेंड, सिंबल इज एस। देन टेम्परेचर, टेम्परेचर इज मेजर्ड इन केल्विन्स एंड द सिंबल इज के। इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड, इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर इन फंडामेंटल यूनिट्स एज एम्पियर एंड द सिंबल इज ए। देन नेक्स्ट क्वांटिटी इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या रहेगी कि जब आप किसी चीज़ को जलाते हो तो उसको जलने की कितनी क्षमता रहेगी, या फिर कितनी इंटेंसिटी के साथ वो जलता है, उसे ही उसकी मेजरमेंट को हम ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं। और उसकी यूनिट रहेगी कैंडेला, जिसे सी स्मॉल सी स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करेंगे। देन क्वांटिटी ऑफ मैटर, ये क्वांटिटी ऑफ मैटर आप केमिस्ट्री में ज़्यादा पढ़ते हो, जिसे फंडामेंटल यूनिट्स की मेजरमेंट्स जब आप लेके चलोगे तो यूनिट उसकी मोल रहेगी, और सिंबल रहेगा MOL।